हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सभी? आवाज वगैरह ओके है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि आवाज ओके है। फिर अपने आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जैसा कि आपको कल इन्फॉर्म कर दिया गया था, अगर फिर भी कोई कैंडिडेट न्यू है तो वो परचेज कर सकता है स्पेशल टेस्ट सीरीज जो बिहार पीएस सी ब्लॉक एरिया ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है। और इसके लिए आप परचेज करने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर का जो ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी स्पेशल टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसका नॉमिनल सा प्राइस रखा गया है 149 रुपीज़। 149 रुपये इसका प्राइस है और इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट है। कितने फुल लेंथ टेस्ट है और इस फुल लेंथ टेस्ट की नंबरिंग कितनी है? तो ये 10 टेस्ट है। कितने हैं? 10 टेस्ट है और एक ऐसे हैं बाई लैंग्वेज है, मतलब हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी है और हिंदी के अंदर भी है। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। और इसका जो स्टार्ट होने का टाइम है ये लगभग 12 बजे के बाद में लाइव हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको किसी भी टाइम क्या कर सकते हो, दे सकते हो इस टेस्ट को। और रीटेस्ट करने का भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि इस टेस्ट को आप कभी भी रीटेस्ट कर सकते हो या फिर आगे के टाइम में जितना भी टाइम आपने इस टेस्ट को देना है दे सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जितने भी कैंडिडेट लाइव हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 23 कैंडिडेट लाइव हैं, तो 23 कैंडिडेट को ह्यूमली रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लिंक को कॉपी करके जो भी आपका सहपाठी मित्र है, जो भी आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर इस लिंक को जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए, फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। आकाश, धर्मराज, अजेंद्र छोटेलाल, आरएम यादव, राज, सभी को गुड मॉर्निंग। अपलोड होते टाइम लाइव है, लाइव होने के बाद में वो अपलोड ही रहेगा टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अपलोड ही रहेगा, आप कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हो। ऐसा नहीं है वो टेस्ट हटाया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, टेस्ट लाइव ही रहेगा। ठीक है, प्रदीप, शुभम, सभी को गुड मॉर्निंग। भी एक बार रिक्वेस्ट आप सभी से कि एक बार इस जो भी अपना सेशन आज का, आज की क्लास, इसको जल्दी से एक बार आप शेयर कर दीजिए, फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। और इसके बाद आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि 20 फरवरी को अपने जो बैच स्टार्ट हो गए हैं एफओ के, और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए आप KL20 कूपन का यूज कर सकते हो, जिस पर आपको 3,000 रुपये की छूट मिल जाएगी और ये कोर्स आपको मात्र कितने रुपए में, 12,000 रुपये में परचेज किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है अपना, अरहर की प्रथम संकर किस्म है, अरहर की प्रथम संकर किस्म है, फर्स्ट विच इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी, रेड ग्राम की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है। ICPH 8, ICPH 8200 और उसके बाद में ICPL 161 प्रभात और ए व बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अरहर की पहली संकर किस्म कौन सी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ रेड ग्राम। रेड ग्राम जिसको तुर बोलते हैं, या फिर इस क्रॉप को अपने अरहर के नाम से या पिजन पी के नाम से जानते हैं, इसकी पहली संकर किस्म आपने बतानी है कि इसकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पहली हाइब्रिड वैरायटी। आकाश का आया जैसे कि ICPH 8 फ्रॉम एकरी सेट 1964, उसके बाद में राम यादव का आया है, आरएम यादव का ये ऑप्शन, और लगभग कैंडिडेट ने ए ऑप्शन को मार्क किया है, ज्यादातर कैंडिडेट ए ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, अगर अपने इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो ए व बी दोनों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है अपने इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहां पर देखें तो डी ऑप्शन, अपने ई ऑप्शन, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ई ऑप्शन,
कौन सा? ई ऑप्शन बिल्कुल राइट। यहां पर ई डी लिखा हुआ था, ई ऑप्शन, ठीक है, डी तो यहां पर है, ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ए व बी दोनों ICPH 8, ICPH का ही दूसरा नाम क्या है? ICPH 8208, ना दोनों नाम से आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर ये लिखी हुई किस्म ICPH 8, सभी को पता है। पर इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो अदर नेम है, वो कौन सा है? ICPH 8208 इसका अन्य नाम है। ये क्रॉस है किसका? ICPL 161 का और प्रभात का। ये किसका क्रॉस है? ICPL 161 का और प्रभात का ये क्रॉस है। और ये क्रॉस कहां पर करवाया गया? इक्री सेट के अंदर। कहां पर? इक्री सेट, इक्री सेट हैदराबाद के अंदर 1993 के अंदर, 1993 के अंदर ये क्रॉस अपने करवाया गया। किस किस का? ICPL 161 का प्रभात के साथ। और एक किस्म तैयार कर ली कौन सी? ICPH 8, जो कप अपने अरहर की प्रथम संकर किस्म है। इसका अन्य नाम, इसका अनदर नेम क्या है? तो इसका अन्य नाम है ICPH 8208, है ना, याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरहर के अंदर एक रोग होता है स्टरलिटी मोजेक रोग। कौन सा? स्टरलिटी मोजेक रोग। ये स्टरलिटी मोजेक रोग का कारण क्या है? इसका कारण होता है वायरस। स्टरलिटी मोजेक रोग का कारण वायरस है, पर इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है वो है माइट। इसका वेक्टर कौन सा है? माइट इसका वेक्टर है। इस रोग के प्रति रेजिस्टेंट है ये, इस रोग के प्रति क्या है? प्रतिरोधी किस्म है ये। कौन सी? ICPH 8। तो आप याद रखोगे, अरहर के अंदर एक रोग होता है स्टरलिटी मोजेक, जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण देखने को मिलता है। उसका वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इस वेक्टर जो माइट कीट है, और ये स्टरलिटी मोजेक रोग है जो वायरस के कारण होता है, इसके प्रति रेजिस्टेंट है कौन सी? ICPH 8 किस्म, जो पहली संकर किस्म है अरहर की। उसके बाद अरहर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं तो अरहर एक खरीफ का दलहन क्रॉप है, और इसके अंदर आपसे अगर पोलिनेशन पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी दलहन है, जितनी भी दाल की क्रॉप है, उसके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो क्या है? सेल पोलिनेशन देखने को मिलता है, सब परागण देखने को मिलता है। पर जो अरहर है, अरहर के अंदर आपको पर परागण, अपने बहुधा पर परागण देखने को मिलेगा। कौन सा? ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, बहुधा पर परागण देखने को मिलेगा। कौन सी क्रॉप के अंदर? अरहर के अंदर। ये याद रखोगे, जितना भी खरीफ का दलहन है, जितना भी खरीफ का दलहन है, उसके अंदर आपसे जर्मिनेशन पूछा जाए, खरीफ के दलहन में अंकुरण आपसे पूछा जाए, तो अंकुरण इसके अंदर कौन सा होता है? एपीजियल होता है। कौन सा? एपीजियल अंकुरण होता है, जितना भी खरीफ का दलहन है। पर आपसे अरहर के अंदर अंकुरण पूछा जाए, अरहर के अंदर जर्मिनेशन पूछा जाए, तो ये एक्सेप्शन है, इसके अंदर होगा हाइपोजियल। कौन सा होगा? हाइपोजियल अंकुरण होता है। कौन सा? हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में ज्यादातर जो अपने दलहन क्रॉप है, इसके अंदर जो अपनी फाउंडेशन सीड की और सर्टिफाइड सीड की, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड की जो अपने आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, इसकी जितने भी ज्यादातर दलहन है, दलहन के अंदर जो अपने फाउंडेशन व सर्टिफाइड सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब पृथक्करण दूरी रखते हैं, वो 10 या 5 मीटर होती है। ठीक है, 10 मीटर तो फाउंडेशन से फाउंडेशन की, सर्टिफाइड से सर्टिफाइड की 5x5 मीटर की देखने को मिलती है। पर अरहर के अंदर आप याद रखना, जैसे फाउंडेशन की तो आपको देखने को मिलेगी कितनी, यहाँ पर 200, और इसकी देखने को मिलेगी 100। ठीक है, ये आप और जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। तो ये अरहर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी खरीफ सीजन के अंदर, खरीफ का मुख्य दलहन है ये, खरीफ का मुख्य दलहन आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? अरहर है। भारत के अंदर खरीफ सीजन का मुख्य दलहन, और रवि का कौन सा है? चना है। रवि का कौन सा है? चना मुख्य दलहन है। कौन सा? रवि का। और इसके अंदर कितने परसेंट प्रोटीन होता है? 21% प्रोटीन होता है। बाकी प्रभात किस्म, ये अर्ली मैच्योर वैरायटी है। बाकी उपास 120 होती है, मतलब UPS 120, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। यहां पर अपने जो अरहर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनकी बात की है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो अन्य जो अपनी देखते हैं अपनी फसलें उनकी पहली किस्म, जैसे कि आपसे गन्ना की सुगर कैन की फर्स्ट वैरायटी पूछी जाए तो कोयम्बटूर 205 है। कौन सी है? कोयम्बटूर 205, जो कब अपने रिलीज की गई, तो ये 1918 के अंदर
एसबीआई के द्वारा क्या किया गया था, इसको रिलीज किया गया, एसबीआई मतलब सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जाए ग्राउंडनट की, मूंगफली की, तो मूंगफली का पहला हाइब्रिड कौन सा है, तो मूंगफली का पहला हाइब्रिड C501 है जो 1961 के अंदर रिलीज किया गया था। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि मक्का का प्रथम हाइब्रिड कौन सा है, तो मक्का का प्रथम हाइब्रिड गंगा एक है, कौन सा, गंगा फर्स्ट है जो 1961 के अंदर रिलीज किया गया था। उसके बाद में आपसे ज्वार का प्रथम हाइब्रिड पूछा जाए, तो इसका पहला हाइब्रिड है CSH1, कौन सा, CSH1, और ये 1964 के अंदर रिलीज किया गया था। उसके बाद में आपसे पूछा जाए बाजरा का, परमिलेट का, बाजरा का पूछा जाए तो ये है HVA, कौन सा, HV1 है, और ये 1965 के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से क्या किया गया था, रिलीज किया गया था, याद रखोगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कॉटन का, कपास का, तो कपास का पहला संकर है H4 हाइब्रिड 4, और इसको 1970 के अंदर आपने गुजरात से रिलीज किया गया था। उसके बाद में अन्य देखें अपने कपास का, अगर आपसे पूछा जाए चावल का, राइस का, तो राइस का आपको याद रखना है MGR1, कौन सा, MGR1, जिसको अपने को RH1 के नाम से जानते हैं, जो 1994 के अंदर। उसके बाद में आपसे सूरजमुखी का पहला हाइब्रिड पूछा जाए, किसका, सूरजमुखी का, तो आपको याद रखना है BSH1, कौन सा, BSH1, 1980 के अंदर, ये 1994 में। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कुसुम का, कुसुम का पहला हाइब्रिड आपको याद रखना है DSH129, कौन सा, DSH129, 1991। उसके बाद में अरंडी का याद कर लेना, अरंडी का है GCH, कौन सा, GCH3, 1968, तब 1968 के अंदर, ठीक है। और एक और याद रखना टबैको का, तंबाकू का, तंबाकू का पहला संकर है कौन सा, अपने GTH1, कौन सा, GTH1, ठीक है। ये इतनी सारी पहली फर्स्ट संकर किस्में हैं, इनको आप ही याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये किस्में आपसे सीधी सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, ओके बात, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती थी अपने देख ली है। अगला क्वेश्चन बताओगी कपास में क्रिंकल लीफ रोग का कारण क्या है, कपास के अंदर जो क्रिंकल लीफ होती है इसका कारण आपको बताना है, कपास के अंदर क्रिंकल लीफ जो डिजीज है इसका कारण क्या है। तो पहला है मैग्नीज की टॉक्सिटी, उसके बाद में डेफिशियंसी ऑफ जिंक, उसके बाद में है मैग्नीज की टॉक्सिटी और ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना आपने व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रिंकल लीफ डिजीज इन कॉटन, तो कॉटन में क्रिंकल लीफ रोग का कारण क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, या फिर एक्सेस ऑफ मैग्नीज, या मतलब टॉक्सिटी ऑफ मैग्नीज, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, मैग्नीज टॉक्सिटी। आकाश ने अपने धर्मराज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सभी का लगभग राइट है कि जो कपास के अंदर क्रिंकल लीफ देखने को मिलता है, कॉटन के अंदर क्रिंकल लीफ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना, ये मैग्नीज की अधिकता के कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन से रोग का अपने, तो क्रिंकल लीफ जो अपने कॉटन के अंदर होगा ये मैग्नीज की अधिकता के कारण देखने को मिलता है। उसके बाद में अपने देखें कि एक इसके अंदर होता है रेड लीफ डिजीज, कॉटन के अंदर एक रेड लीफ डिजीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर पत्तियां क्या हो जाएगी, पत्तियां लाल रंग की हो जाएगी, ये किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से और मैग्नीशियम की कमी के कारण ये रोग देखने को मिलता है, कौन सा, रेड लीफ। रेड लीफ मतलब इसके अंदर पत्तियां लाल रंग की होके पौधे से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जिंक की कमी से अपने देखें कॉटन के अंदर या अन्य क्रॉप के अंदर लिटिल लीफ डिजीज देखने को मिलती है, कौन सी, लिटिल लीफ डिजीज मतलब छोटी पत्ती रोग, कौन सा, छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी से देखने को मिलता है, किसके अंदर, अपने कॉटन के अंदर। कॉटन के अन्य फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे अपने, जैसे कि इसके अंदर एक होता है तिराक, कौन सा, तिराक, तिराक का मतलब क्या है, तिड़क होता है एक प्रकार का, कि टाइम से पहले बोल का खुलना, ठीक है ना, टाइम से पहले बोल का खुल जाना, बोल का खुलना, इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको तिराक के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण होता है, पानी की कमी, पानी की कमी हो सकती है,
उसके बाद में क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी हो सकता है या फिर अगेती सोइंग हो सकती है, ठीक है ना, अगेती बुवाई। इन सभी कारणों से फसल के अंदर क्या आ सकता है, तिराक एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद में अन्य रोग देखें अपने, तो कपास के अंदर एक होता है लीफ कर्ल के अलावा अपने वायरस जनित बीमारी, ठीक है ना, एक अपने वायरस जनित बीमारी देखने को मिलती है इसके अंदर, जो अपने उसका कारक देखा जाए तो सफेद मक्खी, कारण इसका वायरस। और वेक्टर कौन सा, वेक्टर वाहक की बात करें तो वाहक किसका कौन सा होता है, सफेद मक्खी। उसके बाद में अपने देखें इसके अंदर और अन्य रोग, एक 2,4-D के छिड़काव से, 2,4-D के छिड़काव के कारण इसके अंदर डिजीज होती है जिसका नाम होता है फिंगर लीफ डिजीज। कौन सी, फिंगर लीफ डिजीज, फिंगर लीफ रोग, कौन सा, फिंगर लीफ रोग देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप याद रखोगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर लीफ डिजीज किसके कारण, 2,4-D, क्योंकि अपने कॉटन की क्रॉप पर अपने छिड़काव नहीं कर सकते, 2,4-D का अगर कर दिया तो इसके अंदर एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है फिंगर लीफ डिजीज। कौन सा, फिंगर लीफ डिजीज इसके अंदर हो सकती है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और क्रिंकल लीफ की बात करें तो ये किसके कारण होता है, मैग्नीज। और अगर अपने लीफ कर्ल की बात करें, ये बीमारी कौन सी है, लीफ कर्ल है। अगर आपसे लीफ कर्ल के बारे में पूछा जाए, लीफ कर्ल किसके कारण होता है, वायरस के कारण, और इसका वेक्टर कौन सा होता है, सफेद मक्खी होता है, इसका वेक्टर कौन सा होता है, सफेद मक्खी। आप याद रखोगे लीफ कर्ल और क्रिंकल लीफ दो अलग अलग बीमारियां हैं, ये तो कौन सी है, ये है वायरस जनित बीमारी जिसका नाम है क्या, लीफ कर्ल। क्या नाम है इसका, लीफ कर्ल। इसका कारण क्या है, वायरस। इसका वेक्टर क्या है, सफेद मक्खी बेमेसिया टेवेसाई है। और ये कौन सी है, ये क्रिंकल लीफ है जो किसके कारण होनी है, मैग्नीज की अधिकता के कारण। और ये तिराक है जो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो पानी की कमी है, क्षारीय मिट्टी है, अगेती बुवाई के कारण। और ये रेड लीफ डिजीज है, कौन सी, रेड लीफ, जो नाइट्रोजन की कमी या मैग्नीशियम की कमी के कारण होगा। और ये रोग है अपने फिंगर लीफ डिजीज, कौन सा, फिंगर लीफ, जो 2,4-D के छिड़काव के कारण देखने को मिलता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। आर देयर प्रोटोजोन कॉज डिजीज इन बी, बी के अंदर या मधुमक्खी के अंदर जो प्रोटोजोआ के कारण रोग होता है वो इनमें से कौन सा है। पहला है शेक ब्रूड डिजीज, चाक ब्रूड डिजीज, नोसीमा, अमेरिकन फाउल ब्रूड या यूरोपियन फाउल ब्रूड। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, मधुमक्खी के अंदर प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है। मधुमक्खी के अंदर प्रोटोजोआ जनित बीमारी बतानी है आपने, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण देखने को मिलती है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी में से, ठीक है, तो जल्दी से बताना आपने कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो लगभग कैंडिडेट का बिल्कुल ठीक है। अगर अपने देखें कि मधुमक्खी के अंदर जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, मधुमक्खी के अंदर अगर अपने प्रोटोजोआ जनित बीमारी की बात करें तो वो बीमारी कौन सी है, तो वो नोसीमा है। कौन सी, नोसीमा बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण देखने को मिलती है, कौन सी, नोसीमा। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अन्य अपने देखें जैसे कि सैक ब्रूड डिजीज है, ये किसके कारण, ये वायरस के कारण होती है, किसके कारण होती है, ये वायरस के कारण देखने को मिलती है, कौन सी, सैक ब्रूड डिजीज, इसको आप याद रखोगे। चाक ब्रूड की बात करें तो ये फंगस के कारण, कवक के कारण होती है, किसके कारण होती है, कवक के कारण। अमेरिकन फाउल ब्रूड या फिर यूरोपियन फाउल ब्रूड की बात करें तो ये दोनों ब्रीड, दोनों रोग किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण देखने को मिलते हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कोज का नाम भी बहुत कम पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है, ऐसा नहीं, ज्यादातर तो बहुत कम चांस होते हैं कि इस सूत्रकृमि का, इस प्रोटोजोआ का, इस वायरस का नाम पूछा जाए, कवक का, जीवाणु का नाम पूछा जाए, पर ज्यादातर सीधे ही पूछा जाता है कि यूरोपियन फाउल ब्रूड किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में होता है वायरस, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इस प्रकार के, या फिर ऊपर जिस प्रकार से अपनी फॉर्मेट है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी है, निम्न में से बैक्टीरियल बीमारी कौन सी है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, कवक जनित बीमारी कौन सी है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको मधुमक्खी का जो अपना कोर्स के अंदर है, थोड़ा बहुत पार्ट
तो वहां से आपको यहाँ पर डिजीज के क्वेश्चन, रोग के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, इनको आप अच्छे से याद करना। और चार इसकी स्पीसीज मुख्य रूप से देखने को मिलती है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और डेली का अपने एक ना एक आधा क्वेश्चन मधुमक्खी का लेके आएंगे, मतलब अलाइड सेक्टर का क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। तो सैक ब्रूड डिजीज वायरस के कारण, चाक ब्रूड कवक के कारण, और नोसीमा अपने प्रोटोजोआ के कारण, यूरोपियन फाउल ब्रूड या अमेरिकन फाउल ब्रूड किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का अपने अगला, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहां पर दिया हुआ है विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एसिड, कौन से एसिड के कारण या फिर एस्कॉर्बिक एसिड के कारण कौन सा रोग देखने को मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। बेरी बेरी, पेलार अपने पेलाग्रा, उसके बाद स्कर्बी या फिर जीरोफेथलमिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पर एग्जाम के अंदर जरूर रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग कैंडिडेट का बिल्कुल सही है, कौन सा डिजीज है, ये स्कर्बी रोग है। कौन सा, स्कर्बी रोग है, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से है, तो याद रखना बारबेंडेसिस चेरी है, बारबेंडेसिस चेरी, ठीक है। दूसरा आप याद रख सकते हो आपने बारबेंडेसिस चेरी, और अनोला के अंदर भी अच्छी मात्रा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने देखें बेरी बेरी रोग, तो ये किसके कारण होता है, विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन बी1 की कमी के कारण देखने को मिलता है। पेलाग्रा की बात करें तो विटामिन बी6 के कारण देखने को मिलता है, कौन सा। और जीरोफेथलमिया की बात करें तो विटामिन ए के कारण देखने को मिलता है। किसके कारण, विटामिन ए के कारण देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं और तोंदी रोग, कौन सा, रतौंधी डिजीज, ठीक है। ये भी किसके कारण होती है, तो विटामिन ए के कारण देखने को मिलेगी। तो ये कुछ रोग थे जिनको अपने देखा है, जैसे कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कारण, पेलाग्रा विटामिन बी6 के कारण, स्कर्बी विटामिन सी, और जीरोफेथलमिया या फिर विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग देखने को मिलेगा। और स्कर्बी जो विटामिन सी, इसका जो मुख्य सोर्स होता है जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है, वो कौन सा है, बारबेंडेसिस चेरी होती है। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले मिट्टी के कणों का आकार कितना होता है। क्ले मिट्टी के कणों का आपको पार्टिकल का साइज बताना है, साइज ऑफ क्ले सॉइल। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ये क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन से भी बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्ले मिट्टी के पार्टिकल का साइज क्या है, क्ले मिट्टी के पार्टिकल का साइज। तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, क्ले मिट्टी के पार्टिकल। तो बिल्कुल राइट है, जिस कैंडिडेट ने भी ई ऑप्शन दिया है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा ई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, क्ले मिट्टी के कणों का आकार। तो क्ले मिट्टी के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अगर अपने 2 मिलीमीटर से ऊपर की बात करें तो यहाँ पर क्या आते हैं, कंकड़ पत्थर आते हैं। क्या आते हैं, कंकड़ पत्थर, है ना। तो ग्रेवल या कंकड़ पत्थर की बात करें तो इनका आकार, जिसको अपने मिट्टी के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, उनका आकार कितने से ज्यादा होगा, 2 मिलीमीटर से ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, अपने 0.02 से 2 मिलीमीटर की बात करें तो ये आपको सैंड का मिलेगा, बालू का देखने को मिलता है। किसका, सैंड का, कौन सा, 0.02 से लेकर 2 मिलीमीटर। और अगर अपने बात करें 0.02 से 0.2, तो ये आपको फाइन सैंड का देखने को मिलेगा। किसका, फाइन सैंड का, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और 0.002 से लेकर 0.2, ये आपको सिल्ट का, आपको पार्ट सिल्ट के पार्टिकल का साइज 0.002 से 0.02 देखने को मिलता है। बाकी क्ले मिट्टी का 0.002 मिलीमीटर से क्या होता है, कम होता है। ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि क्ले मिट्टी का, चिकनी मिट्टी के कणों का आकार कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, मूंगा सिल्क का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, मूंगा सिल्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है, मूंगा, ठीक है। आपको ये बताना, मूंगा जिसको अपने अंथेरिसिया असाइमेनिस के कारण नाम से जानते हैं, अंथेरिया स्पाइमेनिस असाइमेनिस, अंथेरिया असाइमेनिस। तो मूंगा सिल्क के बारे में बताना, अंथेरिया असाइमेनिस
इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर है? मूंगा सिल्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल, मूंगा सिल्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल असम, झारखंड, बहुत सारे कैंडिडेट का अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, तो जल्दी से बताना आपको कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। और बात करें अपने इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। असम के अंदर मूंगा सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, और मूंगा जो बोटेनिकल नेम होता है इसका अथेरिया असाइमेनिस, कौन सा? अथेरिनिया असाइमेनिस। उसके बाद में असम के अंदर जो मूंगा सिल्क है इसको अपने और किस नाम से जानते हैं? इसको गोल्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं, गोल्ड सिल्क, गोल्डन सिल्क, ठीक है याद रखना, इसको गोल्डन सिल्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग देखने को मिलता है, हल्का पीला या गोल्डन कलर, कैसा? सुनहरी रंग देखने को मिलता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, सुनहरी रंग। और देखें अपने तो मूंगा सिल्क के अंदर अपने इंडिया की मोनोपोली है, इंडिया की मोनोपोली, इंडिया की मोनोपोली किसके अंदर है आपसे पूछा जाए तो मूंगा सिल्क के उत्पादन के अंदर। और मूंगा सिल्क की एक साल में, एक साल के अंदर कितनी जनरेशन होती है? दो पीढ़ियां आती है, कितनी? दो पीढ़ियां, ठीक है याद रखोगे, इसकी मूंगा सिल्क की एक साल में दो पीढ़ियां, ठीक है याद रखोगे, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था और ये आपको याद रखना है, ठीक है। असम के अंदर मूंगा सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओके है। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए लिए प्रीमियम कितना है? तो आर देयर प्रीमियम फॉर दी खरीफ क्रॉप्स इन दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो अपने प्रीमियम रखा गया है किसके लिए? खरीफ की फसलों के लिए, आपको बताना है। PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम कितना रखा गया है ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो अपने देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा में आपको पूछा गया खरीफ की फसलों के लिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया हुआ है कि जो खरीफ की फसलें इसके लिए कितना प्रीमियम होता है, तो 2%। अगर आपसे पूछा जाए रवि क्रॉप के लिए, किसके लिए? रवि की क्रॉप के लिए तो 1.5% है। अगर 5% की बात करें तो बागवानी और कमर्शियल क्रॉप के लिए, कौन सी क्रॉप के लिए? जो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है बागवानी, वह कमर्शियल क्रॉप, कौन सी? कमर्शियल क्रॉप के लिए, ठीक है। तो कमर्शियल क्रॉप के लिए, बागवानी क्रॉप के लिए पूछा जाए तो कितना प्रीमियम है? 5% है। और अगर आपसे खरीफ में पूछा जाए 2%, रबी के लिए पूछा जाए 1.5% है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर जो अपने लॉस होते हैं उसको रिकवर किया जाता है। और एक बात आप जरूर याद रखना कि हार्वेस्टिंग के बाद कितने दिन का लॉस इसके अंदर रिकवर किया जा सकता है? हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद का भी लॉस इसमें रिकवर किया जाएगा। और कितने दिन का? हार्वेस्टिंग के 14 दिन के अंदर अंदर कई लॉस होगा, 14 दिन के अंदर अगर कोई लॉस होता है तो इस लॉस को भी PMY क्या करता है? कवर करेगा, ठीक है ये आप याद रखोगे, 14 दिन का, ठीक है। और दूसरा है 2016 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर की वायरस जनित बीमारी टमाटर रिंग स्पॉट, कौन सी? टमाटो रिंग स्पॉट, इसका वेक्टर कौन सा है? इसका वेक्टर आपको बताना है कि इसका वेक्टर कौन सा है, टमाटो रिंग स्पॉट। तो अब टमाटो रिंग स्पॉट का वेक्टर आप बताओगे कि इसका वेक्टर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। टमाटो रिंग स्पॉट, टमाटो रिंग स्पॉट का वेक्टर आपको बताना है, CAD, और कोई कैंडिडेट जल्दी से कमेंट करके बताओ भी इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। पहला दिया हुआ सफेद मक्की, दूसरा एफिड है, उसके बाद सूत्रकृमि है, उसके बाद थ्रिप्स है, उसके बाद में लीफ होपर है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि टमेटो रिंग स्पॉट का वेक्टर कौन सा है, टमेटो रिंग स्पॉट। तो टमेटो रिंग स्पॉट का वेक्टर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर अपने राइट ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सूत्रकृमि है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निमेटोड के कारण ये रोग फैलता है, इसके कारण? निमेटोड के कारण ये रोग फैलेगा। अगर अपने सफेद मक्खी की बात करें तो टमाटर का लीफ कर्ल, टमाटर का लीफ कर्ल बीमारी का वेक्टर कौन सा है? तो टमाटर की लीफ कर्ल बीमारी का वेक्टर सफेद मक्खी बेमेसिया टेवेसाई है, कौन सा है? बेमेसिया टेवेसाई के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो टमाटर का लीफ कर्ल बीमारी देखने को मिलती है। दूसरा अपने बात करें थ्रिप्स के कारण, तो थ्रिप्स के कारण देखने को मिलता है अपने टमेटो स्पॉटेड विल्ट, कौन सा? टमेटो स्पॉटेड विल्ट, टमेटो स्पॉटेड विल्ट,
स्पॉटेड विल्ट, तो एक प्रकार की विल्ट होती है टमाटो के अंदर, जिसका नाम है टमाटो स्पॉटेड विल्ट। इसका जो वेक्टर है वो कौन सा है? थ्रिप्स है। इसका वेक्टर कौन सा होता है? थ्रिप्स देखने को मिलता है। इसको आप याद रखोगे, टमाटर के अंदर मुख्य मुख्य जो रोग होते हैं उनके वेक्टर की अपने बात की है कि इनका वेक्टर कौन कौन सा है, इनका वेक्टर कौन कौन सा देखने को मिलता है। उसके बाद में अपने बात करें टमाटर की वायरस जनित बीमारी रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट का कारण आपको बता दिया गया, सूत्रकृमि के कारण देखने को मिलती है। और उसके बाद में सफेद मक्खी के कारण लीफ कर्ल और थ्रिप्स के कारण टमाटो स्पॉटेड विल्ट होता है। कौन सा? टमाटो स्पॉटेड विल्ट देखने को मिलता है। लीफ होपर की बात करें तो ज्यादातर जो माइकोप्लाज्मा जनित बीमारियां होती है, एमएलओ के कारण, जो माइकोप्लाज्मा के कारण ज्यादातर जो बीमारियां देखने को मिलती है उसका जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है? लीफ होपर होता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी बैंगन की छोटी पत्ती रोग है, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, बैंगन का लिटल लीफ, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, बैंगन का छोटी पत्ती रोग जो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ये फैलता किसके कारण है? लीफ ऊपर के कारण। और आप देखोगे कि जो फाइलोडी रोग है, कौन सा? फाइलोडी, ठीक है, ये किसके अंदर होता है फाइलोडी रोग? तो ये मुख्य रूप से तिल के अंदर देखने को मिलता है, इसके साथ सनफ्लावर सूरजमुखी के अंदर भी देखने को मिलता है, इसके साथ कुसुम के अंदर भी होता है ये रोग। तो इस रोग का कारण तो माइकोप्लाज्मा है, इस रोग का कारण तो माइकोप्लाज्मा है, पर फाइलोडी रोग का वेक्टर कौन सा है? तो फाइलोडी रोग का वेक्टर कौन सा होता है? लीफ ऊपर होता है। तो सीधा सीधा याद रखना कि जो माइकोप्लाज्मा जनित बीमारियां होती है इनका ज्यादातर जो रोग कारक देखने को मिल, रोग वैक्टर की बात करें तो इसका वैक्टर ज्यादातर अपने को लीफ ऊपर देखने को मिलेगा। और आगे अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ओडीआर की इकाई क्या है? ओडीआर की आपको इकाई बतानी है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट क्या है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो अपने मापते हैं इसकी यूनिट क्या होती है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की यूनिट बतानी है आपको, ना? सीधा सीधा एग्जाम के अंदर यूनिट भी पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में, जैसे कि अपने वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट पूछी गई है, मिलीमीटर किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है ना, वो भी पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो आपको बताना है कि ओडीआर की यूनिट कौन सी है। ये कोई, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी के अंदर है, दोनों अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होना। ए ऑप्शन ग्राम प्रति के, ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर प्रति मिनट, ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ग्राम सेंटी स्क्वायर मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो जल्दी से आप बताओगे कि इसकी यूनिट क्या है। ओडीआर की यूनिट आपने बतानी है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की आपको यूनिट बतानी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ज्यादातर कैंडिडेट का ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखें अपने, तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आपसे ओडीआर, ओडीआर मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की यूनिट पूछी जाए, इकाई पूछी जाए, तो ये क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट होगी। क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट ओडीआर की क्या होती है? यूनिट होती है। और ओडीआर की जो आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, तो 29.9 से ले 22.9, 22.9 इंटू 10 की पावर 8 से लेकर अपने देखें तो 39.8 इंटू 10 की पावर 8, यहां तक अपने को ओडीआर की यूनिट देखने को मिलती है। ये आप याद रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, कि 22.9 से लेकर अपने 29.5 तक, कहाँ पर? 29.5 तक। ये क्या? ओडीआर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, कहाँ कर? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? एमडीआई, से बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है इसका, बताना आपने एमडीआई। जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है।
अगर अपने बात करें जलवायु के प्रकार, एमडीआई वैल्यू, एमडीआई मतलब मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स, मॉइस्चर डिफेक्ट इंडेक्स की बात करें अपने, यहाँ पर टाइप दिया ये इंग्लिश के अंदर, ये हिंदी के अंदर है, तो यहाँ पर देखें सब ह्यूमिड के अंदर 0 से लेकर -33.3 तक, सेमी ह्यूमिड के अंदर -33.3 से लेकर -66.6 तक, और एरिड के अंदर -66.6 से क्या होती है अप देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो सभी क्या है संगत दिए हुए हैं, क्या है संगत देखने को मिलते हैं, ठीक है ये सभी संगत है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो अपना राइट क्वेश्चन ऑप्शन था, और ये किसके द्वारा दिया गया था, जो एमडीआई है मॉइस्चर डिफेक्ट जो इंडेक्स है, ये दिया था अपने कृष्णन और सिंह के द्वारा, कृष्णन एंड सिंह के द्वारा दिया गया था, ये कौन सा मॉइस्चर अपने डिफेक्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन आपको करवाने आ रहे हैं ललित सर, बाकी अपने देखते हैं आगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए भी गुड मॉर्निंग आकाश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए भी स्टार्ट करते हैं। बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में अगर अपन बात करें तो टेस्ट सीरीज ये स्टार्ट हो चुका है, 2-4 दिन का टाइम बचा है। आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज का अगर पेपर आपने नहीं लगवाया है तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करके और आप टेस्ट जो है वो लगा लीजिए, आपकी तैयारी जो है वो और बेहतरीन हो जाएगी। और हमारा ये बैच 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है बैंक ईएफओ का, तो जिन्होंने इनरोल नहीं किया और ईएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो इनरोल कर लीजिए। फीस मात्र 12,000 रुपये है KL20 कूपन कोड का यूज करके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार का कृषि मंत्री जो है वो कौन है, आपको बताना है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, बी नंबर ऑप्शन है विजय कुमार सिन्हा, सी नंबर है लालू प्रसाद यादव, और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है बिहार राज्य के यानी कि कृषि मंत्री कौन है। वेरी गुड वेरी गुड, जिनका राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं लगभग लगभग ठीक है, वेरी गुड। चलिए बिहार राज्य के यानी कि कृषि मंत्री की अगर बात करें तो उसका तो राइट आंसर बनेगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि विजय कुमार सिन्हा जो है वो आपके बिहार के कृषि मंत्री हैं। कौन है? विजय कुमार सिन्हा, और राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। अब अगर अपन बात करें अर्जुन मुंडा की, तो अर्जुन मुंडा एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री की अगर बात करें, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो वो है आपके अर्जुन मुंडा। पहले होते थे नरेंद्र सिंह तोमर और बाद में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री थे, कौन, अर्जुन मुंडा। इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया था और प्रेजेंट के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री आपके कौन है, अर्जुन मुंडा है सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और इसका राइट आंसर था बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ बिहार, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया आपको बताना है कि बिहार का जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,16,300 हेक्टेयर स्क्वायर, या 94,615 किलोमीटर स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। आपको बताना है बिहार राज्य का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना है। राइट आंसर दे दीजिए भाई फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए ठीक आंसर आ रहा है, लगभग ठीक आंसर है डी नंबर ऑप्शन, जिन्होंने जवाब दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। यानी कि हेक्टेयर स्क्वायर में बात करें तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अगर अपन किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो दोनों एक ही बात है, राइट आंसर बनेगा डी नंबर ऑप्शन, बिहार राज्य का जियोग्राफिकल एरिया आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि व्हाट इज द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ बिहार, बिहार का मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कितना है, दुग्ध उत्पादन के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, 10 मिलियन टन है, फिर 7 मिलियन टन है, फिर 5.8 मिलियन टन और उसके बाद में है डी नंबर ऑप्शन आपके 9 मिलियन टन। राइट आंसर दे दीजिए भी, व्हाट इज द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ बिहार स्टेट, बिहार राज्य का दुग्ध उत्पादन कितना है, बताइए भाई। वेरी गुड, शानदार, आकाश सिंह, अर्पण, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, लगभग लगभग सभी का ठीक आंसर है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन बिहार की बात करें तो दुग्ध उत्पादन बिहार का कितना है, 5.8 मिलियन टन है, कितना है, 5.8 मिलियन टन बिहार का दुग्ध उत्पादन है। राइट आंसर जो बनेगा वो है आपका सी नंबर ऑप्शन, कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इरिगेटेड एरिया ऑफ बिहार, यानी कि बिहार राज्य का इरिगेटेड एरिया जो है वो कितना है, आपको बताना है इसका सही जवाब, फटाफट से दे दीजिए राइट आंसर, राइट आंसर दे दीजिए, राइट आंसर दे दीजिए फटाफट से। बिहार का इरिगेटेड एरिया कितना है, 40%, 61%, 82% या 50%, आपको बताना है इसका सही जवाब, बताओ भाई फटाफट से। चलिए देखिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इरिगेटेड एरिया बिहार का इनमें पूछा गया था, तो बिहार राज्य का इरिगेटेड एरिया कितना है, 61% है, कितना है, 61% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक सिंचाई जो है बिहार के अंदर कौन से इरिगेशन यानी कि सोर्स के द्वारा होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किसके द्वारा होती है, ट्यूबवेल के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, ट्यूबवेल के द्वारा होती है, और इरिगेटेड एरिया बिहार का कितना है, 61%, इसका तो राइट आंसर था आपका बी नंबर ऑप्शन। उससे कम जो सिंचाई की अगर हम लोग बात करें यानी कि ट्यूबवेल के बाद में आपका नंबर जो है वो किसका आता है, नहरों का, किसका, नहरों का, नहरों के अलावा नहरों के अंदर 30-31% सिंचाई होती है, ट्यूबवेल की अगर बात करें तो 63% तक सिंचाई जो है वो आपकी ट्यूबवेल के द्वारा देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो तालाबों के द्वारा सिंचाई बिहार राज्य के अंदर लगभग 2%, तालाब द्वारा सिंचाई कितनी होती है, 2% होती है, और रिमेनिंग 3% जो है वो अदर सोर्सेज के द्वारा इरिगेशन देखने को मिलती है। 63, 31 और 5, 5, 6 और 3, 9, 6, 3, 9, लगभग 99-100% के लगभग जो है वो आपका यही आंकड़ा है ना। तो ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई 63%, नहरों द्वारा 31-32% और तालाब द्वारा सिंचाई 2% और उसके बाद में आता है अदर्स के द्वारा यानी कि 3%, कितना, 3% जो है वो सिंचाई देखने को मिलती है। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक चीज और आप लोग ध्यान कर सकते हैं, सर्वाधिक सिंचाई का सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन के डेटा भी मैंने बता दिए और बाकी डेटा आप लोग सर ने कल करवाए थे वहां से कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रीडिंग का है, ब्रीडिंग का क्वेश्चन है कि कौन सा गैर आयनीकरण विकर्ण नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसका आंसर कौन सा है, यूवी रेज है, कौन सा है, यूवी रेज है। एक तो आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, एक तो आयोनाइजिंग होता है और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग, कौन सा, नॉन आयोनाइजिंग के अंदर भी एक आपका पार्टिकुलेट होता है और एक आपका नॉन पार्टिकुलेट होता है, कौन सा, नॉन पार्टिकुलेट, और नॉन आयोनाइजिंग क्या, एक ही ध्यान रखना है आपको, वो कौन है, यूवी रेडिएशन है, कौन सा है, यूवी रेडिएशन है। क्लियर, राइट आंसर बी नंबर था। चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग विच मानसून डज इट रेन इन बिहार, बिहार में किस मानसून के दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है ईस्टर्न मानसून, बी नंबर है साउथर्न ईस्ट मानसून, और सी नंबर ऑप्शन है साउथ मानसून, और डी नंबर ऑप्शन है साउथ वेस्ट मानसून, कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून, आपको बताना है इसका सही जवाब कि बिहार राज्य के अंदर सर्वाधिक किस मानसून से बारिश जो है वो देखने को मिलती है, दीजिए सही जवाब भाई फटाफट से, फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। बिहार राज्य के अंदर सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण
देखने को मिलती है। बताइए भी फटाफट से। चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो राइट आंसर इसका बनेगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि साउथ वेस्टर्न मानसून के द्वारा, यानी कि बिहार राज्य के अंदर सर्वाधिक जो सिंचाई है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण देखने को मिलती है। किसके कारण? साउथ वेस्ट मानसून के कारण। और इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रख लेना, बिहार राज्य का एवरेज यानी कि रेनफॉल कितना है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है बिहार राज्य का कितना है बताइएगा फटाफट से कमेंट के अंदर, मैं देखता हूं कौन कौन सही जवाब देते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल बिहार राज्य का कितना है बताइए फटाफट से बताना कि एवरेज रेनफॉल कितना है। वेरी गुड भाई, हमने आपसे बिहार राज्य का एवरेज रेनफॉल पूछा है कितना है। वेरी गुड, कितना है? 1250 mm है। कितना है? 1250 mm है, या अगर सेंटीमीटर में दिया जाए तो कितना है? 125 cm है। कितना है? 125 cm बिहार राज्य का एवरेज एनुअल रेनफॉल है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ एक चीज और ध्यान रख लेना कि बिहार राज्य की जलवायु परिस्थितियां कैसी है, तो वो आप ध्यान रख लेना सब ट्रॉपिकल है। कौन सी है? सब ट्रॉपिकल है बिहार राज्य की, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो किस तरीके की है, तो सब ट्रॉपिकल है। कौन सी है? सब ट्रॉपिकल। एवरेज रेनफॉल 1250 mm या 125 cm, और क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल, सर्वाधिक सिंचे आपका बरसात जो है वो कौन से मानसून से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है। कैसे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है। इंडिया का भी ध्यान रख लेना 1194 mm, या आपसे पूछा जा सकता है 1200 mm। कितना? 1200 mm जो है वो इंडिया का एवरेज रेनफॉल है। वर्ल्ड का ध्यान रखो तो वर्ल्ड का जो है वो 1000 mm है। कितना है? वर्ल्ड का एवरेज रेनफॉल जो है वो कितना है? 1000 mm है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्राइस थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ, मूल्य सिद्धांत जो है वो कौन सी इकोनॉमिक्स का भाग है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स वृहद अर्थशास्त्र, फार्म मैनेजमेंट यानी कि फार्म प्रबंधन, और डी नंबर है मार्केटिंग यानी कि विपणन। आपको बताना है कि प्राइस थ्योरी जो है वो किसका एक पार्ट है, कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो का, या फार्म मैनेजमेंट का, या मार्केटिंग का, किसका पार्ट है बताइए भाई। चलिए इसका राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर दिया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र नाम दिया है, उनका सब ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी, यानी कि इट मींस क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और पर्टिकुलर, है ना, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या पर्टिकुलर की स्टडी हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो यानी कि ब्रॉड लेवल कर, ब्रॉड लेवल के ऊपर, यानी कि हम लोग क्या है एग्रीगेट रूप से, सम्मिलित रूप से स्टडी करते हैं इसके अंदर, वो आपका वृहद इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे अपन क्या बोलते हैं? इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी अगर आपसे पूछ ले किसका भाग है, तो इनकम थ्योरी आपका किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भाग है। किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। कौन सी थ्योरी? इनकम थ्योरी। प्राइस थ्योरी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, प्राइस थ्योरी है, इनकम थ्योरी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और ध्यान रख लेना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है जेएम कीन्स। कौन है? जेएम कीन्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। वृहद जो आपके अर्थशास्त्र है उसके पिता माँ के रूप में जाना जाता है, किसको? जेएम कीन्स को। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी आपसे अगर पूछ ले, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी कौन है? वो भी आपके जेएम कीन्स है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कौन सा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में भी किसे जाना जाता है? जेएम कीन्स को जाना जाता है। क्लियर है? माइक्रो के पूछे तो माइक्रो, या प्राइस थ्योरी के पूछे तो उसका आप लोग याद रखना एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ जो है वो आपके किसके फादर हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जाने जाते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन मार्केटिंग प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड थ्रू, यानी कि
विपणन में स्थान उपयोगिता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट या ग्रेडिंग या प्रोसेसिंग या इंश्योरेंस, यानी कि मार्केटिंग के अंदर आपसे पूछा गया प्लेस यूटिलिटी क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी जो है वो क्या क्रिएट करता है, यानी कि किस चीज को क्रिएट करता है बताना है आपको फटाफट से। वेरी गुड, शानदार पांडे, धर्मराज, छोटेलाल यादव, वीके यादव, अंकित, वेरी गुड, शानदार। देखिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें कि प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड थ्रू, यानी कि विपणन में स्थान उपयोगिता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका कौन करता है भाई, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके की उपयोगिता को क्रिएट, चार टाइप की यूटिलिटी होती है, एक तो होती है फॉर्म यूटिलिटी, एक होती है आपके पास प्लेस यूटिलिटी, एक आपके पास होती है टाइम यूटिलिटी, कौन सी टाइम यूटिलिटी, एक होती है आपके पास कौन सी यूटिलिटी, पजेशनल यूटिलिटी, कौन सी पजेशनल यूटिलिटी, पजेशन यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी, जैसे आपने क्या किया, वीट से क्या बना दिया, आटा बना दिया, वीट से क्या बना दिया, फ्लोर बना दिया, आटा। अब इसकी उपयोगिता बढ़ गई, वीट मिल रहा था 20 kg, 20 रुपए किलो, आटा मिल रहा है 40 रुपए kg, क्या इतनी लागत थोड़ी आ गई, आपने तो फॉर्म ही चेंज की है, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो प्रोसेसिंग किस तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो वो आपकी फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, ये है आपका फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद में आता है प्लेस यूटिलिटी, स्थान यूटिलिटी। एप्पल मान लीजिए जम्मू के अंदर मिल रहा है 50 रुपए kg, हम अगर एप्पल खरीदने जाते हैं तो हमें मिलता है 150 रुपए kg, यानी कि आपका प्लेस यानी कि स्थान चेंज होने के कारण उस चीज की क्या है, उपयोगिता बढ़ गई है, यानी कि उपयोगिता बढ़ी है। वो प्लेस चेंज हुआ किसके कारण है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके की यूटिलिटी को क्रिएट करता है, स्थान यूटिलिटी, स्थानीय उपयोगिता को क्रिएट करता है। अगर बात की जाए समय उपयोगिता की, टाइम यूटिलिटी की, आज बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, आलू जो है मार्केट के अंदर अब मिल रहा है 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 6 महीने बाद जब आलू का सीजन बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जब स्टोर का आलू आने लगेगा तो वो 20 रुपए 30 रुपए किलो आपको मिलेगा। तो यानी कि समय के हिसाब से उपयोगिता क्या हो गई है, बदल गई है, इस तरीके की उपयोगिता होती है, उसे अपन बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, स्टोरेज हमारा जो है वो किस तरीके की यूटिलिटी को क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। स्टोरेज किस तरीके की यूटिलिटी को क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। बाइंग और सेलिंग से जो आपकी यूटिलिटी क्रिएट होती है वो आपकी कौन सी होती है, पजेशन यूटिलिटी होती है, यानी कि बाइंग और सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी से जो यूटिलिटी क्रिएट होगी वो आपकी पजेशन है, यानी कि ओनरशिप के कारण, ठीक है, पजेशन मतलब ओनरशिप। ये चार टाइप की यूटिलिटी मेनली होती है। आपसे पूछा गया था प्लेस यूटिलिटी, तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, राइट आंसर बनेगा ए नंबर ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट साइंटिफिक अकाउंट ऑफ लैक इंसेक्ट वॉज गिवन बाय, लाख कीट का पहला वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर जे केर के द्वारा, रॉक्सबर्ग के द्वारा, एच फ्लोर के द्वारा, डी बेरी के द्वारा। आपको बताना है सही जवाब कि लैक इंसेक्ट का फर्स्ट जो यानी कि वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपको बताना है इसका सही जवाब, बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, शानदार, वेरी गुड, ए नंबर ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका ठीक है जवाब, वेरी गुड। चलिए यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, लाख कीट के ऊपर पहला जो वैज्ञानिक विवरण है वो डॉक्टर जे केर के द्वारा क्या है, प्रस्तुत किया गया था, राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, एच फ्लोर ने क्या किया, तो एच फ्लोर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कंसेप्ट दिया था, कौन सा, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, एच फ्लोर के द्वारा, जीन हाइपोथेसिस, और दिया किसके अंदर था, मेलेनोस्पोरा लिनी के अंदर, है ना, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कंसेप्ट दिया था, और दिया किसके अंदर था, मेलेनोस्पोरा लिनी, मेलेनोस्पोरा स्पोरा लिनी, है ना,
उसके बाद में नेक्स्ट आपके एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है डी बेरी, एंटोन डी बेरी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी किसको माना जाता है? एंटोन डी बेरी को माना जाता है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कंसेप्ट किसने दिया था? एचएच फ्लोर ने दिया था, और डॉक्टर जे कैर ने लाख कीट के ऊपर पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो क्या किया था, प्रस्तुत किया था। क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि द बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट रिटन बाय, इंक्वायरी इनटू प्लांट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर देना है आपको, किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए भाई, इंक्वायरी इनटू प्लांट बताओ फटाफट से। किसके द्वारा लिखी गई थी इंक्वायरी इनटू प्लांट? थियोफ्रास्टस, कैरोलस लिनियस, एंटोन डी बेरी या एरिस्टोटल? किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए भाई, राइट आंसर की हम लोग अगर बात करें तो ये आपका राइट आंसर इसका जो बनेगा वो है आपका ए नंबर ऑप्शन। कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। कैरोलस इसका तो राइट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। कैरोलस लिनियस ने तो आपका सिस्टेमा नेचुरी, क्या है? सिस्टेमा नेचुरी जो है वो लिखी थी। सिस्टेमा नेचुरी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। इंक्वायरी इनटू प्लांट जो है वो आपका थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया था, है ना, थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया था। चलिए भाई, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। 92 स्टूडेंट जो है वो वॉच कर रहे हैं, और 100 स्टूडेंट का टारगेट हमें आज पूरा करना है। तो एक साथ में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ फंजाई, फंजाई यानी कि कवक के अंदर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो चूसने वाला अंग होता है, एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है, अवशोषण करने वाला होता है, लोकलाइज स्वेलिंग एट द टिप ऑफ जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब के टिप के ऊपर क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है। डेवलपिंग ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद होस्ट, ये किसके कारण? कॉन्टेक्ट होस्ट के कॉन्टेक्ट के अंदर आने के कारण होता है। किसके कारण होता है? होस्ट के कॉन्टेक्ट के अंदर आने के कारण होता है। ये कौन सा है? होस्टोरिया है, एप्रोसोरियम है, या इन्फेक्शन है, या ऑल ऑफ दीज? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए, जर्म ट्यूब जो है वो यानी कि उसमें स्वेलिंग आ गई है, पेनिट्रेशन के जो काम में आता है वो होता है आपका इन्फेक्शन पैक, जो डेवलप होती है उसमें स्वेलिंग आती है, इन्फेक्शन पैक। होस्टोरियम तो यानी कि आपका कौन सा होता है? चूसकांग होता है, एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है, लेकिन इसने किसके ऊपर पूछा था? स्वेलिंग आती है, जो ट्यूब डेवलप होती है वो आपका इन्फेक्शन पैग होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन पैग होता है। राइट आंसर है सी नंबर, होस्टोरियम। चूसकांग एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है, एप्रोसोरियम जो है वो क्या होता है? अटैचमेंट ऑर्गन, फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। वेरी गुड, शानदार, राइट आंसर बनेगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए भाई, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग कवर करते हैं, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है, जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, आप लोगों को यकीनन जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप मात्र प्राइस है इसका 149, आज ही आप लोग इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है वो बहुत ही कम है, 5 से 6 दिन आपके लिए बचे हुए हैं, तो 10 टेस्ट आप लोग लगा करके जाइए, यकीनन आपको एग्जाम के अंदर ऐसे एग्जाम फीलिंग आएगी, और आप लोग अपने क्वेश्चन को बढ़िया से हैंडल कर पाएंगे अगर आप लोग यहां प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। तो जिन भी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया, आज के आज इस टेस्ट सीरीज को इनरोल कर लीजिए, 149 का ये टेस्ट सीरीज है। अगर लगातार 10 दिन टेस्ट लगा करके जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपको वास्तव के अंदर इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो हम लोग कई बार क्या है, गलतियों से आदमी इंसान जो है वो सीखता है, गलतियां करेंगे नहीं हम लोग, किसी चीज को करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर वो गलतियां मेन एग्जाम में जाकर के आपसे होगी, और ऐसा हमें नहीं करना है।
इतना बड़ा नुकसान हमें नहीं करना। इससे पहले आप लोग कम से कम 8 से 10 टेस्ट लगा करके जाइएगा, जिससे आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिट मिले। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग कवर करते हैं और अपनी तैयारी के अंदर लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।